हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस लाइट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉर्क लाइट का रिव्यू करके दिखाऊंगा, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये दोनों ही जो कॉर्क लाइट है ये दोनों फुल्ली वाटर प्रूफ कॉर्क लाइट है। ये जो आप छोटा वाला कॉर्क लाइट देख रहे हैं ये 2 मीटर का कॉर्क लाइट है, इसमें 20 LED लगा हुआ है। इसे ऑन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक केस लगा होता है, इस केस को आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं ऑन करूंगा तो हमारा जो कॉर्क लाइट है वो जल रहा है। देखिए काफी अच्छा लगता है दोस्तों ये जलते हुए। यहाँ पे देखिए बटन सेल लगा हुआ है दोस्तों, इसे आपको क्या करना होगा, इस टाइप से निकालना होगा। देखिए यहाँ पे 3 बटन सेल लगे हुए हैं जिससे ये क्या होता है, जलता है। दोस्तों ये जो हमारा दूसरा कॉर्क लाइट है ये 5 मीटर का कॉर्क लाइट है, इसमें टोटल 50 LED लगा हुआ होता है। इसमें भी आपको एक ऑन ऑफ का स्विच का बटन दिख जाएगा जिससे आप इस लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी बैक साइड की तरफ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक एरो नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये लाइट का जो है बैक इस टाइप से ओपन हो जाएगा। इसे जलाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 1.5 वोल्ट की पेंसिल बैटरी का यूज करना होगा। देखिए ये पेंसिल बैटरी दोस्तों आपको यहाँ पे लगाना होगा, मैं यहाँ पे लगा के आपको दिखाता हूँ जला के कि जलने के बाद ये किस टाइप का लगता है। देखिए दोस्तों मैंने पेंसिल बैटरी लगा दिया है, अब मैं यहाँ पे स्विच को क्या करूँगा, ऑन करूँगा। देखिए ऑन करने के बाद ये कितना अच्छा से जल रहा है। बैटरी जब डाउन होगा तो आपको फिर से न्यू बैटरी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप रिचार्जेबल बैटरी ले सकते हैं, नहीं तो उससे भी अच्छा एक उपाय कर सकते हैं दोस्तों, आप कोई मोबाइल एडाप्टर ले लो, इस टाइप का कोई मोबाइल एडाप्टर ले लो। उससे क्या करो, प्लस वाले पॉइंट को यहाँ पे सोल्डरिंग करना है और माइनस वाले पॉइंट को यहाँ पे सोल्डरिंग करके आप इसे लाइफ टाइम जला सकते हैं, कोई भी आपको बैटरी चेंज करने का जरूरत फिर नहीं पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस का साइन नजर आ रहा है, यहाँ पे जो है कॉर्क लाइट का ये प्लस है। यहाँ पे मैं चार्जर का जो रेड वाला वायर है उसे मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर दूंगा। देखिए मैं सोल्डरिंग यहाँ पे करता हूँ और देखिए दोस्तों हमारा ये प्लस वाला पॉइंट सोल्डरिंग हो गया। और जो इस टाइप में देखिए दोस्तों ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे देखिए एक वायर आया हुआ है, ये हमारा कॉर्क लाइट का माइनस है ना, तो यहाँ मैं चार्जर का ब्लैक वाला वायर को सोल्डरिंग यहाँ पे करूँगा। देखिए दोस्तों ये भी हमारा यहाँ पे सोल्डरिंग हो गया है। अब मैं यहाँ पे इस चार्जर को 220 वोल्ट एसी से कनेक्ट करता हूँ। देखिए एसी लाइन से जैसे मैंने चार्जर को कनेक्ट किया हमारा कॉर्क लाइट कितना अच्छा से जल रहा है देख सकते हैं। इस स्विच से आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, काफी अच्छा ये वर्क कर रहा है। अब मैं इस कॉर्क लाइट को क्या करूंगा दोस्तों, मैं ग्लास का बोतल लूंगा है ना, इस ग्लास के बोतल के अंदर मैं कॉर्क लाइट के डालूंगा और आपको जला के दिखाता हूँ किस टाइप से लगता है। और उसके बाद सेकेंड टाइम क्या करने वाले हैं कि इस ग्लास के बोतल में हम लोग वाटर को भर देंगे और वाटर भरने के बाद भी उसमें कॉर्क लाइट रहेगा और उस टाइम आपको किस टाइप का लगेगा देखने में वो मैं दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये 2 मीटर का जो कॉर्क लाइट है इस ग्लास के बोतल के अंदर में कितना अच्छा देखने में लग रहा है। और साथ में देख सकते हैं कॉर्क लाइट ये जो यहाँ पे है कितना एजी यहाँ पे सेट भी इस टाइप से हो गया है। अब मैं दोस्तों आपको 5 मीटर वाले कॉर्क लाइट को जला के दिखाता हूँ। ये 5 मीटर का कॉर्क लाइट का ब्राइटनेस कितना हाई है, ये काफ़ी हाई ब्राइटनेस यहाँ पे ये आ रहा है दोस्तों, देखिए। अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ, इस ग्लास के जो बोतल के अंदर पानी डालता हूँ और पानी के अंदर में किस टाइप का ये देखने में लगेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस ग्लास के बोतल के अंदर हमने पानी को भर दिया है और जब इसके अंदर पानी भर जाता है दोस्तों तो देखिए कितना अच्छा देखने में ये लग रहा है। इससे ये भी हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कॉर्क लाइट है ये फुल्ली वाटर प्रूफ है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।